नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो रिव्यू के आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नवरासा वेब सीरीज के फोर्थ एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है पायासम। अगर आपको नहीं पता क्या है ये पायासम, तो मैं बताना चाहता हूँ। शादी के मौके पर जब तमिलियन के घर पर शादी होती है, तब वहाँ पर पायासम बनाया जाता है शगुन के लिए। वो एक लिक्विड होता है जो मैंने देखा था, तो बहुत शगुन की चीज़ मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ फल फूल देते हैं, तो वहाँ पे उनका कल्चर अलग है, वो वहाँ पायासम बनाते हैं। तो वही कहानी है यहाँ पे, एक पंडित जी की कहानी है जो बहुत एग्रेसिव वे में यहाँ चल रहे हैं इस एपिसोड में। और उनका कहना ये है कि जो उनका भतीजा है, उन्होंने अपनी सारी बेटी की शादी कर ली है, और उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मलाल है कि उनकी जो बेटी थी उसकी शादी जब हुई तो सिर्फ 90 दिनों में उनका दामाद कॉलरा के वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और वो इसी चीज़ से जलते हैं कि उनका जो भतीजा है, पंडित जी यही समझते हैं उनका जो भतीजा है वो इतने अपनी बेटियों की खुशी खुशी शादी कर रहा, तो कहीं ना कहीं उन्हें जलन होती है इस बात से। और यहाँ पे पंडित जी की अपनी अलग कहानी है कि जो पंडित जी हैं यहाँ पे पुजारी जो हैं, उनकी वाइफ जो मर चुकी है वो अब भी उनसे जॉइंट है और उनसे बात करती हैं, उनको समझाती हैं। मतलब सब कुछ साइकोलॉजी पे है, इमोशंस पर है कि यार जो तुम्हारा भतीजा है वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, तुम्हारे बेटे को भी काम दिया है, तुम्हें भी अपने ही प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दिया, तो जो चीज़ तोहफे में मिली है और जो तुम्हें अच्छा सलूक मिल रहा है उसको तुम अच्छा मानो, रिलेशंस रखो। यहाँ पे ये कहानी है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो एपिसोड इज़ लिटरली अमेजिंग। नरेशन थोड़ा स्लो है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इमोशंस का दिखाया है कि रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, वो चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ एपिसोड में हमें बताती है। और हाँ, तमिल कल्चर जो यहाँ पे दिखाया, आए हाय, मुझे तो तमिल कल्चर बचपन से ही पसंद है, जब से मैंने साउथ की मूवीज़ देखना शुरू करी हैं। इसमें जो पुजारी का रोल कर रहे हैं वो तमिल फिल्म्स के बहुत ही अच्छे एक्टर रहे, सपोर्टिंग एक्टर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। वो जितने भी एक्टर्स हैं सारे नए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं सिर्फ उन पर्टिकुलर पंडित जी की बात करूँ, पुजारी की बात करूँ, जो मेन रोल यहाँ पे रखे हैं, तो वो बहुत, मैंने उनका नाम मुझे सॉरी पता नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी, उनको मैंने बहुत सारी तमिल फिल्म्स, ओल्ड तमिल फिल्म्स में देखा है। सुंदर सुंदर एससी सुंदर के साथ भी उनको देखा है, मुरुट्टू काड़िया में। तो देखिए बहुत अच्छे एक्टर्स यहाँ पे उन्होंने लिए, थिएटर एक्टर्स हैं ये सब तमिल सिनेमा में। तो देखिए कहानी यहाँ पे वैसे भी काफ़ी स्वीट तरीके से पेश करी है, वो जो एक तमिल कल्चर में जिस तरीके से शादी होती है वो दिखाना, उसी के बीच रिलेटिव्स क्यों इतना वो जो पर्टिकुलर रिलेटिव है जो बूढ़ा आदमी है घर का सबसे, वो क्यों जल रहा है अपने ही भतीजे से, क्योंकि उनका भतीजा बहुत सक्सेसफुल है, वो अपनी बेटियों की शादी कर रहा है, और एक भतीजा नहीं एक बेटे की तरह अपने ही यहाँ पे ताऊ जी का ख्याल रख रहा है और सब कुछ काम कर रहा है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। वो चीज़ देख के अच्छी लगती है, लेकिन वही जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर यही कहानी है कि मेरी बेटी का पति यहाँ पे मर गया, मेरी बेटी विधवा हो गई, इसका इसका घर क्यों उजड़ा नहीं, ये जो एक सोच है उसके बारे में डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया कि हमें अपने रिलेशंस नहीं तोड़ने चाहिए, अपने लाइफ को बनाए रखना चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ जीनी चाहिए। कहानी यही बताई गई है, जितने भी दुख हैं, जितने भी दिल में बैर हैं, उसको साइड में रख के ही हम अपने इमोशंस को भी साइड में रख कर ही हम अपने जीवन में रिलेशंस रख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर ने यह बताया है, वसंत एस साई ने इस पर्टिकुलर एपिसोड का डायरेक्शन किया है। और मैं वाकई में बोल रहा हूँ, जो हिडन मीनिंग है, जो बंदा तमिल सिनेमा को बहुत अच्छे से जानता होगा, मैं कसम से कह रहा हूँ, वो पर्टिकुलर इस एपिसोड का जो एक कह सकते हैं जो लय है, एक जो दिखाने का जो तरीका है, जो स्क्रीन प्ले है, वो उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकता है, ये पता चलता है। और यहाँ पे इस एपिसोड के आखिर में जो वो बूढ़े अंकल, वो जो पंडित जी हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, जो अपनी पत्नी से यहाँ बात कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं अपने भतीजे की, वो यहाँ पे पायासम गिरा देते हैं और कहते हैं कि पायासम में एक चूहा गिरा पड़ा था, अगर तुम ऐसे ही पायासम हम सबको दे देते तो शायद सब के सब यहाँ पे मर जाते, सीधा ऊपर ही पहुँच जाते। तो यहाँ पे यही कहानी है कि भाई एक सारे दुखों को भुला के हमें अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। कहानी हमें यहाँ पे यह बताती है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती है। नरेशन नेगेटिव पॉइंट था इस एपिसोड का कि नरेशन इज़ वेरी वेरी स्लो इन दिस एपिसोड, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एपिसोड इज़ रियली अमेजिंग, रियली यूनिक। जो एक हर घर में एक आदमी ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी लाइफ से जलता होगा,
तो उसके ही उसको उसकी ही आंखों से दिखाया है कहानी को, और उसको भी यही समझाने की कोशिश करी है प्रोटैगनिस्ट को भी कि हमें अपने रिलेशन बचाने के लिए अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है, हमें अपनी जलन को साइड में रखना पड़ता है, कहानी हमें यही बताती है। तो आपने ये पाया सम फोर्थ एपिसोड जो है नवरासा का, आपने देखा कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर देखा है तो आपका क्या टेक है वो मैं जानना चाहता हूँ, आपका क्या रिव्यू है वो मैं जानना चाहता हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रिव्यूज़ जानने के लिए मूवीज़ से रिलेटेड, सॉन्ग रिएक्शन से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ही अच्छे अच्छे रिव्यूज़ सॉन्ग से रिलेटेड हूँ, मूवीज़ से रिलेटेड हूँ, अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।